अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने जानवर के व्यूवर्स, आपका किचन में खुश आमदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आप सबकी फरमाइश पे केचप की वीडियो लाई हूँ, जो हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी केचप बहुत ही मजे की बनेगी। जल्दी से जाइए और इसे बनाइए। रहमान रहीम, केचप बनाने के लिए मैंने 4 किलो टमाटर लिए हैं। मैंने जरा बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। आपने चपी टमाटरों को यूज़ करना है, क्वालिटी अच्छी हो, इससे आपके टमाटरों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। अच्छा जी, आपने किसी भी तरीके से इसको काट लेना है, चाहे आप 2 पार्ट में काटें या चाहे 3 में या 4 में। अच्छा जी, मैंने इस तरह सारे टमाटरों की कटिंग कर ली है। केचप बनाने के लिए मैंने जो देगचा लिया है वो थोड़ा गहरा लिया है। इससे ये होगा कि इसके जो छींटे उड़ते हैं वो आपके कपड़ों पे या आप पे नहीं गिरेंगे। सारे टमाटर मैंने देगचे में ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम लो किया हुआ है। अब मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 4 अदर इसके अंदर मैंने सूखी लाल मिर्चें ऐड की हैं। अच्छा, इसकी डंडियाँ मैंने रिमूव कर ली थी। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 10 से 12 दाने मैंने इसके अंदर काली मिर्चें और 2 पीसेस मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है कम से कम 1 घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। टमाटरों को पकते हुए 1 घंटा हो गया, टमाटर हमारे फुल कुक हो गए हैं। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं देगचे के अंदर पकाऊंगी अच्छे से। इसके अंदर से मैं एक चीज़ को निकाल दूंगी और वो है बादियान का फूल। बाकी जितने भी मसाले हैं वो इसी तरह हैंड ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये मेरा हैंड ब्लेंडर है, आप इसको जूसर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। और जब मैंने इसको ब्लेंड किया था तो मैंने देगचे को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया था। टमाटर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। अच्छा, ये देखें जी, सारे टमाटर हमारे ब्लेंड हो गए हैं अच्छे से। टमाटरों को ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसको छान लूँगी। अच्छा, छानने का मकसद यही होता है कि अगर इसमें ज़रा बराबर भी कोई छिलका रह जाता है ना, तो वो आपका अच्छे से छान के उसमें नहीं आएगा केचप में, क्योंकि अगर केचप में छिलका है तो वो मज़ा ही नहीं देगा आपको। अच्छा, ये देखिए, मैंने सारी जो केचप है इस तरह सारी छान ली है और इसको हम दोबारा से उसी देगचे में डाल के अच्छे से मैं इसको पकाऊंगी। और ये देखें जी, जितना भी इसके अंदर मटेरियल था जिसमें छिलके वगैरह हैं वो सारे निकल गए हैं। अब उसी देगचे को मैंने नीट करके उसी में दोबारा से केचप ऐड कर दी है। केचप हम मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है और यकीन करें कि हमारे घर में अगर केचप ना हो तो शोर मच जाता है, इसलिए मैं जो केचप है वो कभी ख़त्म नहीं होने देती। इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून सोल्ट मिर्च। आपने मसाले कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके अंदर मैं 1/4 कप सिरके के ऐड करूँगी। इसी तरह मैं इसके अंदर 1/4 कप ही चीनी के ऐड करूँगी। मैंने दोनों की क्वांटिटी सेम बराबर ली है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाऊँगी, जब तक कि जो हमारी पूरी केचप नहीं ये बन जाती। अब जब इस जो इसके अंदर पानी भी होगा, जैसे कि जब आप शुगर डालती हैं, आपने इसमें सिरका ऐड किया है तो वो पानी बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा सा थिक करना है। घर में हमारे केचप की जो है ना खुशबुएँ फैली हुई हैं। अच्छा जी, केचप हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, मैंने प्लेट में केचप को ऐड की है, अब इसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा। अच्छा, मैं आपको फिंगर की मदद से भी चेक कराती हूँ। ये देखें, अब मैं बीच में इसको फिंगर का निशान लगाऊंगी। ये देखें, अगर पानी होता तो वो साइड से निकल आना था। अच्छा, मैंने इस तरह बॉटल्स ली हुई हैं, इससे ये होता है कि बहुत आसानी से आप केचप को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जी, घर में तैयार की हुई रेस्टोरेंट स्टाइल केचप रेडी है। इस केचप को आप 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। केचप हो गई है हमारी रेडी और अब हम करेंगे इसको फ्राइज के साथ यूज़। ये देखें जी, मेरी केचप की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।